माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की आज हमारी ये पहली क्लास है और कल्पेश जी के साथ एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और पावर बीआई में हम करेंगे डेटा कनेक्टिविटी, क्योंकि इससे पहले पावर बीआई में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम पावर बीआई को डाउनलोड करेंगे, पावर बीआई को कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, कैसे उस पर आई डी बनाएंगे और किस तरह से हम रिपोर्ट बनाएंगे। तो ये आपके सामने जब पावर बीआई ओपन करोगे सबसे पहले यहाँ पे आएगा, अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो आपका नाम आएगा, अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तो फिर आपको यहाँ पे लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन आएगा। और साथ में यहीं पे आप जो व्यू है, इस व्यू के देखिए सर, इसमें कुछ चीजें हैं। जो फर्स्ट व्यू आता है इसमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पे गेट डेटा या फिर रिसेंटली जो आपने प्रोजेक्ट ओपन किया इसका डिटेल आपको मिलेगा। जैसे हमारे जो प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है वो प्रोजेक्ट को आप रीओपन कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट 4 से 5 प्रोजेक्ट यहाँ आता है, ठीक है। उसमें रिसर्च एंड सोर्स, मतलब कि तुरंत आपने अभी भी क्या क्या सोर्स को यूज किया है वो सोर्स यहाँ आपको। ओके सर, दोबारा इसको लाता हूँ, इसको ला लेंगे फिर वापस पावर बीआई ओपन करना पड़ेगा। याद देखिएगा पावर बीआई जब भी आप यूज करते हो आपका, इसके अलावा यहाँ पे आपको पावर बीआई से कुछ अपडेट वीडियोस मिलेंगे। इसको आप प्ले तो आपको यहाँ पे वीडियो प्ले हो, ठीक है सर। In this series of getting started videos, इसके बाद व्हाट इज न्यू, इससे रिलेटेड जो ब्लॉग्स है वो ब्लॉग जो कम्युनिटी फोरम है वहाँ पे पावर बीआई के ब्लॉग्स पे जा सकते हो, यहाँ से पावर बीआई की ट्यूटोरियल्स पे ही जा सकते हो, राइट। तो पावर बीआई का मकसद ये है कि इजी टू लर्न टू यूज। तो माइक्रोसॉफ्ट खुद वीडियो ट्यूटोरियल्स ब्लॉग्स दे रहा है जिससे आप कुछ भी है तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप गेट डेटा में आप यहाँ डेटा ले लें तो आप क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद ये आपका पावर बीआई विंडो है। तो पावर बीआई विंडो के बारे में समझिए, ये आपके पेजेस, आप कई सारे पेजेस को जो शीट होता है, कई सारे शीट जिस तरह इंसर्ट करते हो उस तरह से पेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपका कैनवस एरिया होता है जहाँ पे आप रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट्स के फिल्टर है, यहाँ से चार्ट्स और बाकी अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे फिल लिस्ट होती है जैसे कि पिवट में होती है। और यहाँ पे आपके 3 व्यू है, रिपोर्ट, डेटा एंड मॉडल। हाँ ठीक। तो उससे पहले ये सब चीजों को करने से पहले पहले मुझे डेटा को कनेक्ट करना होगा। तो जनरली हम एक्सेल को कनेक्ट करते हैं, तो फिलहाल हम एक्सेल डेटा कैसे कनेक्ट करेंगे मैं बताता हूँ आपको। मैं तो आप फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने चूज करेंगे जो आपका डेटा है। जैसे आप ओके करेंगे तो जैसे आप एक्सेल का डेटा कनेक्ट करते हैं पावर क्यूरी की मदद से, सेम उसी तरह का विंडो आएगा, ठीक है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे चेकबॉक्स है, वहां पे चेकबॉक्स होगा, राइट सर। अब जैसे हाँ सर सिलेक्ट करते हैं, इस डेटा का प्रीव्यू हो जाएगा। तो लोड करने से पहले अपने डेटा को देख, और मैं तो बोलूंगा कनेक्ट करने से पहले भी डेटा को देख ले, क्योंकि डेटा वो करे कोई इस तरह का डेटा इसको मत करे। जैसे यहाँ पे देखिए ना, देख रहे आपको सर छोटा सा एक ऐसे डाला हुआ है कॉलम 1 कॉलम 2 और बाकी एरिया पर नल ले। हाँ तो एक डेटा फॉर्मेट होना चाहिए। अब यहाँ पे लोड एक्टिवेट नहीं है, सिर्फ सिलेक्ट करने से लोड एक्टिवेट नहीं होगा, आपको चेकबॉक्स में क्लिक करना होगा। एक्सेल में तो सिलेक्ट करने से हो जाता था, बट यहाँ पे आपको क्लिक एंड लोड करते हैं। लोड ट्रांसफॉर्म था, तो ट्रांसफॉर्म के बारे में हम बताएंगे पावर क्यूरी जब पढ़ाएंगे तब। क्यूरी एडिटर ये आपका लोड हो रहा है। अब लोड होने के बाद ये पूरा डेटा आपका डेटा में चला जाएगा और जितने भी एक्सेल के फील्ड थे वो फील्ड यहाँ पे आपको दिख गया। अब ये आपका डेटा व्यू है, यहाँ पे आपके डेटा है और यहाँ पे मॉडल है। तो मॉडल का काम क्यों पे होता है, रिलेशनशिप। बहुत सारे टेबल्स आपने ऐड किया, दोनों के बीच में रिलेशन वगैरह क्रिएट करना हो
जाता है, इसके बारे में हम आगे राइट सर। अब हाँ सर, अभी तो एक ही टेबल है ना। हाँ अभी तो फिलहाल एक ही टेबल है, बट तीनों का व्यू मैंने आपको समझा दिया। हाँ ठीक। दूसरा चीज, अब यहाँ पे फील्ड है, जब डेटा ऐड करेंगे तो फील्ड में डेटा होती है, उस डेटा को आइडेंटिफाई करके कॉलम के टाइप्स को, कॉलम टाइप को यहाँ पे शो करता है। जैसे जिसमें ई लगा हुआ है, सम ऑफ का साइन लगा हुआ है, मतलब कि ये नंबर, राइट सर। जिसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है वो आपका टेक्स्ट है, जिसमें कैलेंडर लगा हुआ है वो आपका डेट एंड टाइम है। ठीक है, ठीक है, विदाउट इसमें नहीं सर। तीन टाइप के डाटा आते हैं ना। हाँ, फिर टेक्स्ट, टेक्स्ट नंबर एंड डेटा डेट। अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे रीजन है, यहाँ पे रीजन आपको दिख रहा होगा। नहीं, इसमें टैबल में तो इजीली राइट क्लिक करके चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मेजर्स रिप्रेस डेटा क्यूरी डिलीट हाइड, नहीं इसमें चेंज करने का सिस्टम नहीं है सर। लेकिन हाँ, जैसे ही आप उसको डालेंगे, जैसे हमारा मुझे रीजनल चार्ट चाहिए, तो मैप, आप मैप चार्ट को, जैसे मैप चार्ट पे मैं रीजन को डालूंगा तो वो रीजन को आइडेंटिफाई करके ले ना सर। हाँ ठीक है, ठीक है। इसमें और डिटेल्स में आ गया, हम आपको सब बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख गया रीजन में अम्बाला, कोलोराडो, कनेक्टिंग फ्लोरिडा एंड हवाई। ये आपका डेटा टाइप, तो डेटा टाइप अपने हिसाब से, दूसरी बात मान लो कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो डेटा में कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें हम आगे आपके करेंगे। तो जनरल ये भी क्या है, अपना विजुलाइजेशन को सिलेक्ट करना है, जो आपको चाहिए उसको आप यहाँ से जस्ट सिलेक्ट करें, अपनी पोजीशन इसको अरेंज करें, और फिर इसमें अपने रिपोर्ट जो भी आपके जो विजुलाइजेशन चाहिए वो विजुलाइजेशन को डालो। इसे सेल्स को डाल दी और मैंने इस्तेमाल, तो ये देखिए आपका चार्ट बन गया, समझे। अब इसको उठा के पिवट के द्वारा ड्रॉप भी कर सकते हैं फील्ड में, ये आपका फील्ड होता है, फील्ड होता है। मान लीजिए मैं इसे प्रोडक्ट को भी डाल देता हूं, ये चार्ट सिर्फ ये जो है डोनट चार्ट है, उसमें प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा दिया इसने, लेकिन इसमें दिखा कि अलग अलग चार्ट पे अलग अलग चीज। अगर मैं करूँ और यहाँ पे मैं दो लेजेंड को डाल सकता हूँ, चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें मैं रेवेन्यू प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू का चार्ट बन गया, और चार्ट में जो बना लिए तो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक, तो अपने हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसा आप सेलेक्ट करेंगे उस तरह का चार्ट आपको यहाँ पे बनेगा। ओके हाँ ठीक है सर। डाउट सर में एक मिनट, नहीं सर कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, हाँ आपका नंबर सेव है बताइए। सर ऑनलाइन, हमारी क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन ही होती है।
हाँ ऑनलाइन रिमोट सेटिंग से होता है लाइव क्लासेज 1-to-1 जो कि आप अपने घर पे ले सकते हैं मेरे साथ लाइव इंटरैक्टिव। और चाहो तो एक दो क्लास डेमो लेके देख लीजिए, अगर अच्छा लगा तो जल्दी प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। हाँ तो ऑनलाइन ही लिया था ना क्लास मेरी। हाँ बोलिए जी मुस्कान। तो यहाँ पे आपके जैसे कि मैं समझा रहा था पावर बी आई कि बस आपको सेलेक्ट करना है और बनाना है राइट सर। तो इसमें मेन मेन चीजें क्या है, आप देखिए दूसरी चीज इसमें आइडिया कि आपको आइडिया है कि किस तरह का व्यू होना चाहिए राइट सर। दूसरी इसमें जो आएगी वो डेटा की कैलकुलेशन, जरूरी नहीं है कि डेटा आपके अकॉर्डिंग हो। हाँ ठीक है। डेटा की कैलकुलेशंस जो है वो आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं राइट। दूसरा आता है रिलेशनशिप, हो सकता है कि डेटा एक ही फाइल में ना हो, कई सारे फाइल में, जैसे कि जनरली हम एक्सेल में लगाते हैं, तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप कर सकते हैं ठीक है। हाँ तो एक्सेल से बेटर क्यों है, क्योंकि देखिए एक्सेल नहीं कर सकता है बट इसका काम कर सकता है, याद रखिएगा। तो ये जो है विजुलाइजेशन के लिए ध्यान रखिएगा, मतलब कि एक अट्रैक्टिव एंड सिंपली डैशबोर्ड को जल्दी से जल्दी तैयार करने में मदद करता है। किस तरह की डैशबोर्ड, तो अगर मैं डैशबोर्ड आप सर्च करेंगे इमेज देखिए, इस तरह की डैशबोर्ड को आप इजीली, अब इसी चीज को आप एक्सेल में जाएंगे तो काफी टाइम लगने लेकिन पावर बीआई में इजीली कर सकते हैं। समझ गए? हाँ सर। पावर बीआई में इसको आप इजीली कर सकते हैं राइट। हाँ तो ग्राफिक आते हैं इसे? हाँ ये तो ऐसी पीएचडी है, जीप फाइल है ना, ठीक है। तो इस तरह की ग्राफिक्स आप क्रिएट कर सकते हैं ठीक है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स इजीली तैयार कर सकते हैं पावर बीआई। तो चलिए करेंगे, तो आप पावर बीआई पे पहले आप डेटा को कनेक्ट करना सीखे, डिफरेंट डिफरेंट डेटा की कनेक्टिविटी है यहाँ पे, मोड पे जाते हैं तो आपसे हर डेटा को कनेक्ट करें कि किस तरह से, फिर हम कल की क्लास में आपको इसको कनेक्ट करना सिखा देंगे ठीक है। ठीक है। हालांकि क्लास आपकी 8:15 तक है, 7:30 से 8:15 क्लास है, लेकिन आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने 8 बजे वाले को 7:15 आने के लिए मैंने भी बोला था कल। सुबह सुबह कितने बजे गए क्या दूसरे कोई क्लास है? नहीं सर, इसलिए आपकी इंडिविजुअली क्लास है सर।